आज हम देखेंगे हेल इन अ सेल में पांच सबसे बड़ी हार जिसने सभी WWE फैंस का दिल तोड़ दिया। नंबर पांच पर है अंडरटेकर वर्सेस केन के बीच 2010 में हुआ हेल इन अ सेल मैच। इस मैच में सभी को उम्मीद थी कि अंडरटेकर केन को हरा देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अंडरटेकर के साथ मैच में धोखा हुआ और केन ने धोखे से अंडरटेकर को हरा दिया। अंडरटेकर की हार के बाद WWE फैंस काफी दुखी हुए थे। नंबर चार पर है मार्क हेनरी वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच 2011 में हुआ हेल इन अ सेल मैच। इस मैच में सभी हैरान रह गए क्योंकि मार्क हेनरी ने रैंडी ऑर्टन को बिना किसी चीटिंग के हरा दिया। इस मैच के बाद रैंडी ऑर्टन के सभी फैंस बहुत ज्यादा दुखी हो गए। नंबर तीन पर है अंडरटेकर वर्सेस ब्रोक लेसनर के बीच हेल इन अ सेल मैच। इस मैच से कुछ महीने पहले अंडरटेकर ने ब्रोक लेसनर को समर स्लैम में हराया था, तो सभी फैंस को ये लग रहा था कि अंडरटेकर ब्रोक लेसनर को दोबारा से हराने वाले हैं, पर ऐसा नहीं हुआ और ब्रोक लेसनर ने अंडरटेकर को हेल इन अ सेल में हरा दिया। अंडरटेकर की हार के बाद WWE के सभी फैंस बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। नंबर दो पर है रैंडी ऑर्टन और डेनियल ब्राइम के बीच 2013 के हेल इन अ सेल में हुआ मैच। इस मैच के रेफरी थे सोन माइकल। मैच के अंत में ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन को जितवाने के लिए मैच के बीच में आ जाते हैं, पर डेनियल ब्राइम ट्रिपल एच को ये किक मार देते हैं, पर तभी अचानक से सोन माइकल डेनियल ब्राइम को एक सुपर किक मार देते हैं जिसकी वजह से डेनियल ब्राइम की हार हो जाती है और पूरे WWE यूनिवर्स दुखी हो जाता है। नंबर एक पर है जॉन सीना वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो का मैच जो हुआ था 2015 के हेल इन अ सेल इवेंट में। जॉन सीना ने आते ही यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज दे दिया था और जॉन सीना से अचानक लड़ने आ गए अल्बर्टो डेल रियो। वो कई साल बाद WWE में अपनी वापसी कर रहे थे। दोनों के बीच अच्छा मैच हुआ, पर अंत में अल्बर्टो डेल रियो ने जॉन सीना को हरा दिया और वो बन गए नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, जिसकी वजह से सभी WWE फैंस बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।